हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी में। सुबह के बज चुके हैं 8। सभी फौजी भाइयों को राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशन कोड के साथ, जो ये इस प्रकार है: जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। दोस्तों इसका अर्थ है, स्वयं पर विश्वास रखो दोस्तों, सिलेक्शन 100% श्योर होगा। दोस्तों चलो सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के सामने साथ। दोस्तों सभी फौजी भाइयों को लाइव लेने का प्रयास करें, दोस्तों सभी सेशन को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइव लेने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है, किसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों, जिनका ऑप्शन नंबर एक आ रहा है वो एकदम सही है दोस्तों, शरद अरविंद बोबड़े दोस्तों, जो 47वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। 46वें थे रंजन गोगोई दोस्तों, और प्रथम थे हीरालाल जे कानिया दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पेन और कॉपी साथ लेके बैठते हैं दोस्तों, जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको मेटेरियल, उसको नोट डाउन करते चलना है दोस्तों, आपको बस यही करना है, और सेशन में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, और शेयर कर देना दोस्तों सभी फौजी भाइयों को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करें दोस्तों। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों। फिर बनता है कि न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश का वेतन 280,000 रुपये है और अन्य का 250,000 है। उच्चतम न्यायालय का संविधान में उल्लेख है दोस्तों 124वें अनुच्छेद में दोस्तों। जब उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, तब इसमें 7+1 यानी 7 तो अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों। इसकी संख्या वर्तमान में 33+1 पर पहुंच चुकी है दोस्तों, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश दोस्तों। दोस्तों हाई कोर्ट की संख्या हमारे 24 थी, जो 1 बढ़ाकर 25 कर दिए, 25वां बना है अमरावती उच्च न्यायालय दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला था दोस्तों? खेल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जिनका ही आंसर 4 आ रहा है वो एकदम सही है दोस्तों। डे नाइट टेस्ट की शुरुआत सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था 27 जनवरी 2015 को दोस्तों। भारत विश्व का 9वां देश बना डे नाइट टेस्ट खेलने वाला। भारत के कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम पर भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हुआ था। इसमें दर्शक के रूप में शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, वो भी उपस्थित हुई थी दोस्तों। श्रीलंका जो हाल ही में चर्चा में है, यहाँ श्रीलंका पाकिस्तान में जाकर टेस्ट सीरीज खेली है दोस्तों, इसलिए चर्चा में है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में किसे 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर एक आ रहा है वो एकदम सही है दोस्तों, अकितम अचुतम को मलयालम के लिए दिया गया है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मैं कुछ अन्य तथ्य बता देता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया दोस्तों। इसमें 11,00,000 रुपए और वाग स्मृति दी जाती है दोस्तों। यह किस भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बनता है। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से एक को दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों 2018 का अमिताभ घोष अंग्रेजी के लेकर गए, उन्हें दिया गया था। 2017 का कृष्णा सोबती को दिया गया था दोस्तों। प्रथम महिला आशापूर्ण देवी को दिया गया था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप जो भी मैं अन्य फैक्ट बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करना है दोस्तों, आपको बस यही काम है, पेन और कॉपी हर विद्यार्थी के साथ रख के लिखना है उसको बस।
दोस्तों समझ लो कि आपके है ना 50 से 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, जिनका ही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है वो एकदम सही है दोस्तों। एक ऑप्शन में दे रखा है सी जिनपिंग दोस्तों, सी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति दोस्तों। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और अब्दुल हमीद जो दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री में आपको पहले भी बता चुका हूं शेख हसीना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। जिनका ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है वो एकदम सही है दोस्तों। विपिन रावत भारत के थल सेना के पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों, जिन्हें CDS के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। थल सेना के प्रथम अध्यक्ष की बात बता देता हूं, वो है जनरल राजेंद्र सिंह दोस्तों, और प्रथम फील्ड मार्शल है मोनेक्सो, जिन्हें 5 स्टार रैंक दी जाती है दोस्तों, और प्रथम कमांडर ऑफ चीफ करिप्पा है दोस्तों। दोस्तों मैं श्योर हूं दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। जिनका ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है वो एकदम सही है दोस्तों। अमिताभ बच्चन को 2018 के 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। 2017 65वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था दोस्तों। 1994 में दिलीप कुमार को दिया गया था दोस्तों। दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। जिनका ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है वो एकदम सही है दोस्तों, शशिकांत दास दोस्तों। ये 25वें RBI गवर्नर है दोस्तों। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी दोस्तों। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को दोस्तों। 24वें उर्जित पटेल हुए दोस्तों, और प्रथम भारतीय गवर्नर हुए CD देशमुख दोस्तों, और प्रथम RBI गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ है दोस्तों। 1935 में जब गठित हुई थी तब थे ये ऑसबोर्न स्मिथ दोस्तों, और CD देशमुख जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब थे दोस्तों। RBI के गवर्नर और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मनमोहन सिंह दोस्तों। मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर और प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया जा चुके हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारत के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किए गए दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। जिनका ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है वो एकदम सही है दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष दोस्तों। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO है दोस्तों। DK जैन BCCI के लोकायुक्त है दोस्तों। अरविंद सक्सेना UPSC के चेयरमैन है दोस्तों। UPSC की स्थापना 1926 में हुई थी ली आयोग की सिफारिश पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मीरा भाई चानू का संबंध किस खेल से है दोस्तों, जिनका ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है वो एकदम सही है दोस्तों, भारोत्तोलन से दोस्तों, बॉक्सिंग से मेरिकॉम है दोस्तों, जिन्होंने 2012 में कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में। फुटबॉल से सुनील छेत्री दोस्तों, बैडमिंटन से सानिया नेहवाल दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, जिनका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है वो एकदम सही है दोस्तों, K.C.N. इसरो के हैं दोस्तों, सतीश रेड्डी DRDO के हैं दोस्तों, नटराजन तटरक्षक बल के हैं दोस्तों। दोस्तों सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए,
आपका 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों,